इस डर खौफ और मौत को अब वोट से खत्म कर देती है। 7 मार्च 2022 को राजभवन मार्च हम लोग करने जा रहे हैं। रेलवे मामले में दबा दिया गया और बिहार में रोजगार और आर्मी की नौकरी भी बंद हो गई और ये 16 साल के माफिया राज लगातार महिलाओं का शोषण, हाईकोर्ट भी इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज PR और मैं हूँ प्रीति। जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भरी सभा में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अब राजभवन मार्च करेगी। 7 मार्च को उनकी पार्टी राजभवन मार्च करेगी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के उनका ये मार्च होगा, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है वो है ST/ET अभ्यर्थियों का मुद्दा और रेलवे के जो NTPC को लेकर के बवाल हुआ था उसका मुद्दा सबसे पहले होगा। आप पूरी बातों को सुनिए। से लेकर के 5 विधानसभा में यह ताकत बता देने की जरूरत है कि इस डर खौफ और मौत को अब वोट से खत्म कर देती है। एक जो प्रथम चरण में सब दिख गया, 7 मार्च 2022 को राजभवन मार्च हम लोग करने जा रहे हैं। 7 मार्च पहला रोजगार लगातार स्थिति हो या जिन रेलवे मामले में दबा दिया गया और बिहार में रोजगार और आर्मी की नौकरी भी बंद हो गई। एक दूसरा लगातार महिलाओं का शोषण, माफिया नेता और पदाधिकारियों का जमीन घोटाला, जमीन में लगातार मौत, चाहे वो दरभंगा की घटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर की, चाहे अन्य घटना। और तीसरा विशेष राज, इन 3 मुद्दों को लेकर राजभवन मार्च 7 तारीख को विधानसभा भी खुले रहेंगे। हमें किसी भी कीमत पर नेता पदाधिकारी जमीन माफिया के नेक्सस को उजागर करना है, साथ साथ हाईकोर्ट भी इन मुद्दों को लेके जा रहा है। 7 मार्च को रोजगार के मुद्दों पर एक बड़ा राजभवन मार्च निर्णय हमारे कोर कमेटी के नेताओं ने लिया है। 23 मार्च लोहिया और सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि, 23 मार्च से बिहार बनाओ रोजगार यात्रा जन अधिकार पार्टी कैसे इतनी बड़ी शक्ति विपक्ष को दी गई, 75 सत्ता पक्ष से ज्यादा, और वो मौन, बीजेपी की भी टीम, और ये 16 साल के माफिया राज। आपने सुना पप्पू यादव के बयानों को, उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये सरकार बिहार में आर्मी और रेलवे के जॉब्स को हटा रही है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, विवश होकर छात्रों को अब सड़कों पर आकर के आंदोलन करना पड़ रहा है, ऐसे में सरकार चुप क्यों बैठी हुई है, इसी को लेकर के वो 7 मार्च को राजभवन मार्च करेंगे। उनकी पार्टी के तरफ से ये मार्च होगा जिसमें वो खुद भी मौजूद होंगे, तो ऐसे में देखना खास होता है कि बिहार में 7 मार्च का दिन कैसा होता है। तमाम जानकारियों के लिए बने रहे आप न्यूज PR के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।